हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन एक ब्लेंड ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबल है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक रिजिड प्रोसेस है, और अगर वही हम लोग ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो वहाँ पे अमेंडमेंट करना एक सिंपल प्रोसेस है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। लेकिन इंडिया के केस में इट इज़ ब्लेंड ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, आर्टिकल 368 जो कि पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो डील करता है विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। हाउएवर, दोस्तों, एक 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस होता है। दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर कोई डिफाइन टर्म नहीं है, लेकिन डिफरेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तहत एक बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि हम लोग उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो वह स्टार्ट हुआ दोस्तों 1973 में केशवानंद भारती केसेस में। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे करेंगे। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट लेड डाउन इन आर्टिकल 368। दोस्तों, इसका पहला प्रोसेस है, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल फॉर द पर्पस इन इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट इन ए स्टेट लेजिस्लेचर। दोस्तों, स्टेट का लेजिस्लेचर, जैसे विधान सभा में हम लोग अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो केवल पार्लियामेंट या राज्यसभा या लोकसभा में किसी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे हम लोग एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं उसे। इंट्रोड्यूस इधर बाई मिनिस्टर एंड ए प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। दोस्तों, ये बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए, अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट का रिक्वायर नहीं होता है दोस्तों, और इसको मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, मिनिस्टर तो हम लोग जान रहे हैं कि जो मिनिस्टर बनते हैं वो मिनिस्टर हैं, लेकिन प्राइवेट मेंबर क्या होते हैं दोस्तों? अदर देन मिनिस्टर आर कॉल्ड प्राइवेट मेंबर। कोई भी एमपी प्राइवेट मेंबर होता है। द बिल, अगला प्रोसेस दोस्तों, द बिल मस्ट बी पास बाय ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होना जरूरी है जिस हाउस में वो इंट्रोड्यूस हुआ उस हाउस में। हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, मतलब हाउस सेपरेटली, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकसभा सेपरेट बिल पास करेगा, और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो राज्यसभा सेपरेटली बिल पास करेगा। हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग ज्वाइंट सेशन। अगर डिसएग्रीमेंट होगा दोस्तों तो ज्वाइंट सेशन का कोई प्रोविजन नहीं है, वहीं पर बिल लैप्स हो जाएगा। अगला प्रोसेस है दोस्तों, इफ बिल सिक टू अमेंड फेडरल प्रोविजन, इट मस्ट एल्सो बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी। मतलब अगर फेडरल प्रोविजन, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, या सेवन शेड्यूल जो कि फेडरल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट का डिविजन के मैटर में अगर कुछ अमेंडमेंट लाना है तो, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो कि फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो उसमें अगर अमेंडमेंट लाना हो तो स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से पास होना जरूरी है विथ सिंपल मेजोरिटी। उसके बाद दोस्तों, आफ्टर ड्यूली पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर वेयर नेसेसरी, मतलब जहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट जरूरी है वहीं पर स्टेट लेजिस्लेचर का जरूरी है, नहीं तो दोनों हाउस ही कर सकते हैं। द बिल प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट, मतलब अगर सभी से पास हुआ, अगर फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड है तो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी, अगर फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड नहीं है तो केवल दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया, उसके बाद एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास जाएगा। दोस्तों, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, ही कैन नाइदर विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल नॉर रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों, अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल को प्रेसिडेंट विदहोल्ड नहीं कर सकता है, नहीं रिटर्न कर सकते हैं। आफ्टर द प्रेसिडेंट एसेंट द बिल बिकम एन एक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों, अगर प्रेसिडेंट एसेंट दे देते हैं तो एक्ट बन जाता है और उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फ्रेंड्स, आर्टिकल 368 प्रोवाइड फॉर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, दैट इज जो हम लोग प्रोविजन पढ़े दोस्तों अमेंडमेंट का, ये आर्टिकल 368 में है, और आर्टिकल 368 में दो टाइप का अमेंडमेंट बात करती है।
फर्स्ट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड सेकेंड स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट की बात नहीं करती है। आर्टिकल 368 डज नॉट इंक्लूड अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। थैंक यू दोस्तों।